गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए कार्तिक कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कल ही नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदला था। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा। मंत्री कार्तिक सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। नाराज चल रहे थे क्योंकि कानून मंत्री से उन्हें उद्योग मंत्री बना दिया गया था, लेकिन जिस तरीके की नाराजगी थी उसके बाद ये इस्तीफा दिया गया। लगातार विवादों में फंसते जा रहे थे कानून मंत्री, और जिसको लेकर बीजेपी कानून मंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार को भी निशाने पर ले रही थी। लेकिन इसी बीच उद्योग मंत्री कार्तिक सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने निशाना साधा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए, अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। बिहार लोकसभा आयोग की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए जाने के विरोध में पटना में सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और अभ्यर्थी पुलिस से बचने के लिए भागते दिखाई दिए, जबकि कई पुलिस वाले उनके पीछे डंडे लेकर उन्हें खदेड़ते नजर आए। पटना की सड़कों पर उतरे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से नाराज छात्र छात्राओं ने सड़क पर काफी देर तक हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने दो अलग अलग दिन परीक्षा कराए जाने के फैसले का विरोध किया। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं परीक्षा का पहला चरण 20 और 22 सितंबर को होना है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में इस बार आयोग ने कुछ बदलाव किया है, जिससे नाराज अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी नेता अंकिता के घर पहुंचे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा ने दुमका में अंकिता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें 28 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। आज हम उसको सहायता करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने दुमका में अंकिता के परिवार और पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई। साथ ही पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पीड़ित की तस्वीर हटवाने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए झारखंड के रांची से लेकर बिहार के नवादा तक प्रदर्शन किए गए। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जिस पर कोर्ट ने जैकलीन को पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में जैकलीन को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलीन सुकेश के आपराधिक कामों के बारे में जानती थी। सुकेश के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद भी उनके साथ रिलेशनशिप में थी और उससे आर्थिक फायदे भी लिए गए। पंजाब के तरन तारण में कुछ बदमाशों ने एक चर्च को निशाना बना लिया। दावा किया गया कि वहां रात के वक्त करीब 12 लोगों ने चर्च पर धावा बोला और वहां लगी मूर्तियों में तोड़फोड़ की, जिनकी ये हरकत चर्च में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप लगाया गया कि उन लोगों ने चर्च परिसर में मौजूद एक कार में आग भी लगा दी, जो सुबह तक जलकर राख हो गई। इसके बाद बिशप समेत चर्च से जुड़े लोग वहां धरने पर बैठ गए। जिसके बाद उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से हटने को राजी नहीं हुए। हालांकि पुलिस से जांच का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, वी हैव वाइटल क्लूज एंड वी आर बिहाइंड द कल्प्रिट। चर्च के बिशप ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक से डराने के बाद करीब आधे घंटे तक आतंक मचाया, जिसके बाद उस इलाके के ईसाइयों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्त में लेने का भरोसा जताया, तब जाकर मामला शांत हुआ। कोरोना पर वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ की। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाई गई भारत की रणनीति की तारीफ की। साथ ही उसने अपनी रिपोर्ट में मेडिकल उपकरणों और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के मैनेजमेंट को भी सराहा। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि कोरोना के दौरान सरकार का आत्मनिर्भर अभियान काफी मददगार रहा। इसी अभियान के तहत पीपीई किट समेत कई चीजें बनाई गयी, जो तुरंत इस संकट से निपटने में काफी काम आई। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने बरामद की गई काफी शराब को बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया। जापान ओपन में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और साइना नेहवाल को अपने अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। चीन से सीमा विवाद पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने चीन की को सीधा जवाब दिया है। दरअसल मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, लेकिन भारत ने कभी किसी पर कब्जा नहीं किया। लेकिन ध्यान रहे, हम किसी को अपने क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने देंगे। मीनाक्षी लेखी बुधवार को नेपाल एम्बेसी के तीज कार्यक्रम में शामिल हुई थी और यहीं पर उन्होंने चीन को खरी खरी सुनाई। जब भारत कई हजारों साल पुरानी सभ्यता है, चारों ओर लोग हमारे ही भाई बहन हैं,
तो फैले सत्यता फैली, लेकिन कभी किसी की जमीन पर कभी किसी के ऊपर कब्जा करने का काम हमने नहीं किया, आज तक नहीं किया और अभी ऐसा ही मानस है। लेकिन हाँ, अपनी जमीन भी किसी को नहीं देने वाले, वो भी हैं। 2 सितंबर को भारत की नौसेना का ध्वज बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नौसेना को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस दिन एक साथ 2 इतिहास बनाएंगे, क्योंकि पहली बार पूरी तरह भारत में बना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना को मिलेगा। पूरी दुनिया INS विक्रांत में आत्मनिर्भर भारत का दम देखेगी, लेकिन इसके साथ ही एक और इतिहास बनने की तैयारी है। दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के ध्वज से उपनिवेशवाद की झलक भी मिटा देंगे। 1934 में जब भारत की नौसेना बनी थी, तब तक बंटवारा नहीं हुआ था और ब्रिटिश राज में इसका नाम रॉयल नेवी सर्विस रखा गया था, लेकिन बंटवारे के बाद नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया। फिर 1950 में इसका नाम INS यानी इंडियन नेवी सर्विस हो गया, लेकिन नौसेना के ध्वज में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। नौसेना के ध्वज में सफेद रंग की पट्टी पर एक बड़ा लाल क्रॉस बनाया जाता है। इसी पैटर्न में बदलाव कई बार हुए, लेकिन ये लाल क्रॉस कभी नहीं बदला। सूत्र बताते हैं कि नया ध्वज ब्रिटिश राज की मानसिक बेड़ियां तोड़ने वाला होगा। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। लखनऊ में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने कई दुकानों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चलवा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया गांधी की मां का इटली में 27 अगस्त को निधन हो गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इन दिनों विदेश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी की मां के निधन पर दुख जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के बिहार दौरे पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शहीद के परिवार को मदद करने का नाटक बताया और कहा कि जो लोग सेना के शौर्य को नहीं मानते, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, वो शहीद के परिवार की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, उनका महिमा मंडन हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले, सेना के शौर्य पर जिनको भरोसा नहीं है और जो कह रहे थे कि कब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इसका प्रमाण दीजिए, वो लोग आज पटना के अंदर गलवान के शहीदों के परिवारों की मदद करने का नाटक कर रहे थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि नीतीश जी के पर कुसंगत का असर हो गया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में TMC के खिलाफ CPM के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। CPM ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ चोर पकड़ो जेल भरो नाम का आंदोलन शुरू किया है और बर्धमान में भी उसके कार्यकर्ता चोर पकड़ो जेल भरो का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतरे, लेकिन जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो वहां बवाल मच गया। आरोप है कि गुस्साए CPM कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले भीड़ से बचकर भागते दिखे, जबकि कई पुलिस कर्मियों को भीड़ में शामिल लोगों ने घेर लिया। इसके बाद वहां जोरदार पथराव शुरू हो गया। लोगों ने एक दुकान को निशाना बनाकर पत्थरों की बारिश कर दी। यही नहीं, वहां एक चौराहे पर भी लोग तोड़फोड़ करते दिखे। बवाल बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पहुंचे। भीड़ को हटाने के लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे। बताया गया कि बाद में हंगामा करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया।